Welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with An Academy, India's largest online learning platform. पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको रूल नंबर 10 तक पढ़ाया था. आज हम आगे के बारे में पढ़ेंगे रूल नंबर 11 से, और प्रोनाउन के कुछ और स्पेशल केसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये बता दूं कि अगर आप अन अकेडमी से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ये मेरी प्रोफाइल है अन अकेडमी पे. मैं प्रतिमा चौहान अन अकेडमी पे SSC की एडुकेटर हूँ. आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. और अन अकेडमी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपको इसमें लाइव क्लासेस करने को मिलती हैं. रेगुलर यहाँ पे टाइम टू टाइम डाउट सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं. जो स्टूडेंट UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है. स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाता है. यहाँ पे UPSC से लेकर SSC, बैंक, NTS, आपके छोटे भाई बहन अगर IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो इसमें सभी तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं. अगर आप स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. करना आपको सिर्फ इतना है कि एक सब्सक्रिप्शन से आप नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ बैचेस, जितने भी उस कोर्स से रिलेटेड बैचेस होंगे, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड है चौहान वीडियोस. जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये SSC का है. SSC के 12 मंथ की फ़ीस है 6,000 रुपीज़. अगर आप मेरा कोड इसमें यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5,400 का. तो ये कोड है हमारा चौहान वीडियोस. इसको ध्यान रखेंगे, इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज की हमारी वीडियो में हम वही प्रोनाउन के आगे के रूल नंबर 11 से आगे स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे. रूल नंबर 10 तक मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ स्पेशल केसेस के बारे में. रूल नंबर 11 से आज हम पढ़ेंगे. रूल नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं. रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये एक लिस्ट है. ये होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें माइन, अवर्स, yours, his, hers, theirs, ये होते हैं हमारे possessive pronouns. ये possessive pronoun होते हैं first person के. ये आपका second person का possessive pronoun है, ठीक है. और ये सारे हैं आपके third person के possessive pronouns, right? तो इनका आप यूज, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज हम अपने ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये होता है हमारा रूल नंबर 11 कि इनका हम यूज ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं. किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही हैज लॉस्ट माई की एज वेल एज योर्स, है ना. आप यहाँ पे योर की आप लिख सकते थे योर की, लेकिन इसको एक प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए, माई की, योर की, इसका रिपीटेशन रोकने के लिए और इसको यहाँ पे प्रोनाउन यूज करने के लिए आपने यहाँ पे यूज किया पोजेसिव प्रोनाउन, जिसके यहाँ पे आपने लिखा योर्स. तो ये हमारा रूल नंबर 11 है. आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स हैं जो इसको स्पेशल केसेस में काउंट करते हैं. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं. क्या क्या मिस्टेक है वो देखते हैं. जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आपका, ठीक है, जिसको हम पोजेसिव केस कहते हैं प्रोनाउन का, लाइक माई, अस, है ना. ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक. सेकंड पर्सन का आता होता है आपका योर, और थर्ड पर्सन का होता है हिज, हर, देयर. ये होते हैं आपके पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन, जिनको आप पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. तो कोई अगर दो सब्जेक्ट, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, and not, in addition to, like, unlike, rather than, इन सब से अगर connect किए जाते हैं, कोई भी दो subject अगर as well as, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, rather than, अगर इनसे connect किए जाते हैं तो वहाँ पे possessive case of the pronoun is used according to the first subject.
तो उसमें जो पोजेसिव केस होगा प्रोनाउन का वो किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सपोज दो सब्जेक्ट है आपके और इसको कनेक्ट किया गया है एज वेल एज से, तो जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद एक रूल ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट से कनेक्ट किए जाते हैं तो वो वहाँ पे पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन यानी पोजेसिव एडजेक्टिव वो कैसे यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। सपोज ये आपके दो, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, आप लिख लीजिए आई जैसे नीदर आई नॉर यू, ठीक है। ये दो आपके क्या हैं, सब्जेक्ट है, इनको आपने कनेक्ट किया नीदर और नॉर से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा ना, पोजेसिव केस जो यूज किया जाएगा प्रोनाउन का है ना, वो यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट यानी यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कहता है हमारा रूल नंबर 11 यानी नेक्स्ट रूल। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब कोई प्रोनाउन, व्हेन द प्रोनाउन ईच एवरी नीदर इधर एनी वन मैनी एंड मोर देन वन आर यूज एज ए सब्जेक्ट, जब इनको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, किसको, ईच एवरी नीदर इधर एनी वन मैनी या मोर देन वन, जब इनको प्रोनाउन, जब इन सब प्रोनाउन्स को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो जो पजेसिव केस यूज किया जाता है प्रोनाउन का वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है। तो जैसे ये है कि ईच बॉय एंड ईच टीचर, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट किससे कनेक्ट है, ईच से कनेक्ट है ना। यहाँ पे ईच जो प्रोनाउन है ये यूज किया गया है, इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, तो लेकिन यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, देयर लगेज, तो यहाँ पे देयर ना होके थर्ड पर्सन का सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज, ये हिज है यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म लेना है हमको, यानी हम देयर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये है। उसके बाद वन, जहाँ पे वन होगा, वन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हम वन ही यूज करेंगे यानी वन के अकॉर्डिंग यानी वंस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, ये सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि वन है, वन शुड डू, तो वन के साथ वंस आएगा, तो हिज ना आके यहाँ पे आएगा वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, वन के साथ हम प्रोनाउन वंस का यूज करेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे ये कहता है कि इधर नीदर ईच अदर इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग, जब हम किसी दो पर्सन की बात करेंगे, सिर्फ टू पर्सन्स की, तो वहाँ पे इधर नीदर या ईच अदर का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे, मोर देन टू की जब बात की जाएगी, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, एनी वन, नन और वन अनदर, ठीक है। दो से ज्यादा के लिए हम इधर नीदर ईच अदर यूज नहीं कर सकते, दो से ज्यादा के लिए हमें एनी वन नन वन अनदर का ही यूज करना है। तो ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, अब आईज कितनी होती हैं किसी की, दो आंखें होती हैं, दो से ज्यादा तो नहीं होती हैं, है ना। तो दो आंखों के लिए हम, दो चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इधर नीदर, दो चीजों के लिए, या फिर ईच अदर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कुछ यूज करेंगे। तो आईज की बात की जा रही है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे ईदर का, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है, जैसे ईदर ऑफ हिज फोर सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, अब फोर सन्स की बात की जा रही है यानी मोर देन टू का केस है, तो मोर देन टू के केस में हम क्या यूज करते हैं, एनी वन, नन या वन अनदर। तो एनी वन, नन और वन अनदर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो यहाँ पे हम ईदर का यूज ना करके हम यूज करेंगे एनी वन का, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रूल था। उसके बाद अब बोथ का यूज कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। बोथ हमेशा एंड के, बोथ हमेशा फॉलो किया जाता है एंड से, एस वेल एस से नहीं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस अपने जब कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम एज वेल,
है ना। तो बोथ वाले सेंटेंस में एज वेल का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। बोथ के साथ हमेशा हम एंड का यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज नहीं होगा। यानी कहीं पे कोई नेगेटिव बात की जा रही है या नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें डू नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड है, नॉट, नो, तो वहां पे हम बोथ का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर। अब बोथ के साथ यहाँ पे क्या यूज किया गया है? एज वेल एज का। तो बोथ के साथ एज वेल एज तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बोथ यू एंड माई ब्रदर। ठीक है, तो बोथ के साथ हमने क्या यूज किया? एंड का। एज वेल एज यूज नहीं होता। थर्ड है यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। अब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि बोथ का यूज नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पे बोथ का यूज ना करके करेंगे नीदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर कीजिएगा। और फिर से एक बार बता दूं कि अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है चौहान वीडियोज़। ठीक है, ये कोड है हमारा चौहान वीडियोज़। इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।